पिछले कई दिनों तो मीडिया विच अखबारों विच कई सज्जन कूड़ झूठा प्रचार किया जा रहा है कि जिहड़ियां संगतां इत्थों तकरीबन डेढ़ महीना 40-45 दिन रह के गई हैं पंजाब वास्ते। सत्संग जी संगतां दे मन विच चाह सी इच्छा सी कि आप अपने घरां नूं जाइए परिवारां नूं मिलिए। तो सरकारां दे उद्दम का सदका, महापुरखां दे उद्दम का सदका, गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड दे उद्दम का सदका उन्हां दे जाण दा प्रबंध होया। उस तो पहला बेनती कर देवां सत्संग जी, जदों संगतां इत्थे रहिंदियां सन साहिबां दे स्थान ते, उन्हां दा बार बार मेडिकल चैकअप हुंदा सी। हर 15 दिन 20 दिन बाद उन्हां दा चैकअप किया जांदा सी। इन्हां विच कोई बीमार तो नहीं है, पर जिन्नी वारी उन्हां दा चैकअप किया गया उन्नी वारी उन्हां दी जिहड़ी रिपोर्ट नील आई, नैगेटिव आई। ते फिर हुण जदों संगतां पंजाब विच पहुंचियां ने, मीडिया विच खबरां आ रहियां कि उन्हां विच कई संगतां दी रिपोर्ट जिहड़ी पॉजिटिव आई कोरोना वायरस की। पर जो तखत सचखंड हजूर साहब जी का नाम लैके मीडिया से बार बार कहा जा रहा है कि उत्थों ये बीमारी आई फैली। सतसंग जी अज भी तखत साहब जी के इस धरती से, अबचल नगर साहब के धरती से कोरोना जोड़ा वायरस, उसके तकरीबन 1 या 2 मरीज है, वह भी 100% उन्होंने मरीज नहीं कहा जा सकता। जदों तक जिते संगत ठहरिया हुई सन तकरीबन पिछले 40-50 दिन, उस वे जिहड़ा ये हजूर साहब ग्रीन जोन विच सी, उत्थे कोई भी मरीज कोरोना वायरस का नहीं सी। जिहड़े मरीज आए लंबे 1-2 वो बाहर आए हुए हैं। पंजाब के बखो बखरे जिलों तो हजूर साहब सेवा करने संगत पहुंची सी, जिस तो बाद हुण कोरोना महामारी आ गई ते उस संगत नूं हजूर साहब तो बसा राही पंजाब लिया जा रहा है। तो उस संगत विच कोरोना वायरस के कुछ मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, पर इन्हां मरीजों के पॉजिटिव आने ते हजूर साहब के सिंह साहिबान ने चिंता प्रगट की है। उन्होंने कहा कि इत्थे रहिंदी संगत दे हर समय टैसट किए जाते सन, कुछ दिनों बाद उन्हां दा चैकअप किया जाता सी जिन्हों की सेहत बिल्कुल ठीक सी। इस तो अलावा सिंह साहब ने यह भी कहा कि पूरे नदेर साहब विच 2 बंदे कोरोना वायरस पॉजिटिव ने, तो फिर यह संगत किवें कोरोना वायरस पॉजिटिव हुई है। कलगीधर पातशाह धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का पावन पवित्र स्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहब बारे पिछले कई दिनों तो मीडिया विच अखबारों विच कई सज्जन कूड़ झूठा प्रचार किया जा रहा है कि जिहड़ियां संगतां इत्थों तकरीबन 1.5 महीना 40-45 दिन रह के गई हैं पंजाब वास्ते। सतसंग जी संगतां दे मन विच चाह सी इच्छा सी कि आप अपने घरां नूं जाइए परिवारां नूं मिलिए। तो सरकारां दे उद्दम का सदका, महापुरखां दे उद्दम का सदका, गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड दे उद्दम का सदका उन्हां दे जाण दा प्रबंध होया। उस तो पहला बेनती कर देवां सतसंग जी, जदों संगतां इत्थे रहिंदियां सन साहिबां दे स्थान ते, उन्हां दा बार बार मेडिकल चैकअप हुंदा सी। हर 15 दिन 20 दिन बाद उन्हां दा चैकअप किया जांदा सी। इन्हां विच कोई बीमार तो नहीं है, पर जिन्नी वारी उन्हां दा चैकअप किया गया उन्नी वारी उन्हां दी जिहड़ी रिपोर्ट नील आई, नैगेटिव आई। ते फिर हुण जदों संगतां पंजाब विच पहुंचियां ने, मीडिया विच खबरां आ रहियां कि उन्हां विचों कई संगतां दी रिपोर्ट जिहड़ी पॉजिटिव आई कोरोना वायरस दी। सतसंग जी इह गल सच है झूठ इह वाहिगुरु परमात्मा ही जाणदा है, पर जो तखत सचखंड हजूर साहब जी का नाम लैके मीडिया से बार बार कहा जा रहा है कि उत्थों यह बीमारी आई फैली। सतसंग जी अज भी तखत साहब जी के इस धरती से, अबचल नगर साहब के धरती से कोरोना जोड़ा वायरस, उसके तकरीबन 1 या 2 मरीज है, वह भी 100% उन्होंने मरीज नहीं कहा जा सकता। उन्हों की रिपोर्ट भी अजे आने वाली है, फिर इतों बीमारी किवें फैल सकती। सतसंग के चरणों में बेनती है जिहड़े मीडिया विच अखबारों विच जिहड़े सज्जन के प्रचार कर रहे हैं उन्होंने भी हाथ जोड़ के बेनती पाई, इहो जिहा कूड़ झूठा प्रचार ना करे तखत साहब बारे। ये कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का पावन पवित्र स्थान है। इतों के वड्डे वड्डे रोगी जिहड़े बीमार हैं, वह जिन्हों का कदे इलाज नहीं होया,
ਉਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪੰਡ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਦਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਲੱਭੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।